यहाँ पे शुरुआत करते हैं फटाफट कॉलर्स की। सुल्तान मंडल ने हमें शिलोंग से मैसेज किया हुआ है। धवल, सिंटेक्स इंडस्ट्री 1000 और चेस 104 पर उनका परचेस प्राइस है, व्हाट्स योर रिकमेंडेशंस ऑन दैट? देखिए, सिंटेक्स ने एक बेस बनाने की डेफिनेटली एक ट्राई की है अराउंड द लेवल्स ऑफ 70, और मेरे ख्याल से ये जो है ट्राई अच्छी है। तो वंस यू नो इट मूव्स अबव 74-75 लेवल्स, एक जो बाइंग फ्लो है सस्टेनेबल बेसिस पे आ जाएगा। तो विथ अ स्टॉप अराउंड 67 आप होल्ड करते रहिए पूरी क्वांटिटी फॉर अ टारगेट ऑफ 87। गिरीश का सवाल जेबीएम ऑटो को लेकर है, 135 रुपये के भाव पे 700 शेयर हैं। सुनील, जेबीएम ऑटो पर आपकी राय? मुझे लगता है कि JBN ऑटो ये शेयर अगर इनके पास है तो होल्ड करना चाहिए, या ये प्राइस में ये खरीद भी सकते हैं। सो होल्ड ऑन टू JBM ऑटो। अगले कॉलर मुंबई से है अर्जुन। एरोज इंटरनेशनल 236 की परचेस प्राइस है इनके। धवल, आपकी क्या रिकमेंडेशन है इनके लिए? कौन सा स्टॉक है? देखिए, एरोज में मेरे ख्याल से इतना कुछ खास है नहीं। अगर आप स्टॉक देखोगे तो चार्ट का कोई इतना बढ़िया ट्रेंड नहीं है, आप एग्जिट कर ले वही बेटर रहेगा। संदीप कुमार का एक सवाल आया है पटियाला से कोई खील को लेकर। सुनील, हाल की लिस्टिंग है कोई खील, क्या कर सकते हैं इसमें? कंपनी का नाम फिर बोलेंगे सर? जी, क्विक हील। मुझे लगता है कि शेयर्स इशू प्राइस से काफ़ी बीटन डाउन हुआ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो एज ऑफ नाउ शेयर को होल्ड करना चाहिए, कोई डिक्लाइन आती है अराउंड 200 के आसपास तो लेना चाहिए। श्योर। अगले कॉलर मिस्टर अमित अग्रवाल पुरुलिया से, उनका क्वेश्चन है धवल ऑन कोल इंडिया 50 और शेयर्स 324 की परचेस प्राइस, आपकी क्या रिकमेंडेशन है इनके लिए? बाइंग है मेरे ख्याल से, अभी तो स्टॉप अराउंड 285 आप होल्ड करते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और ऊपर में जो टारगेट है पॉसिबली 376 385 के लेवल्स में आपको दिख सकते हैं कोल इंडिया में। नॉट अ ग्रेट परफॉर्मर बेसिकली, बट अगर आप इन्वेस्टर है तो होल्ड कर सकते हैं। जी, एक सवाल आकाश का है ग्वालियर से, सुवन लाइफ साइंसेज को लेकर। 200 शेयर हैं 250 के भाव पे। सुनील, आपकी राय सुवन लाइफ साइंसेज पर? इनकी खरीदारी से 50 रुपये नीचे है। मुझे लगता है कि ये शेयर्स इनको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न दे सकता है। अगले कॉलर है सूरत से दिनेश, उनका सवाल है NMDC पर धवल 100 और चेस 89.75 की परचेस प्राइस, आपके क्या रिकमेंडेशन है इनके लिए? देखिए अगेन, यू नो नॉट अ ग्रेट स्टॉक ऑन चार्ट अगर आप देखते हैं तो, विथ अ स्टॉप अराउंड बेसिकली 88 आप होल्ड कर सकते हैं पूरी क्वांटिटी, और 105-103 के लेवल के अराउंड मेरे ख्याल से एग्जिट कर लेना चाहिए। कोई मोमेंटम वाले स्टॉक जैसे वाड़ीलाल हैं, वाड़ीलाल एक अच्छा मूव दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर आप मोमेंटम ट्रेडर है तो वाड़ीलाल को करंट लेवल पे बाय करके विथ स्टॉप अराउंड 482 आप ऊपर में टारगेट जो है 575-590 का लुकआउट कर सकते हैं। जी, पवन का सवाल आया रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर, 54 के भाव पे खरीदारी है। सुनील, आपकी राय शेयर पर? मुझे लगता है कि इन्हें अपनी पोजीशन कम करनी चाहिए ये भाव में, मुझे नहीं लगता कि ये शेयर्स कोई बहुत ज्यादा यहाँ से परफॉर्म कर पाएगा। आप अपनी पोजीशंस कम कर रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन में से। अगले कॉलर मिस्टर के सिंह पटियाला से, मजेस्को 500 और चेस डबल एट 490 के परचेस प्राइस, आपकी क्या रिकमेंडेशन है इनके लिए? देखिए, करंट लेवल पे आप एग्जिट कर ले वही बेटर है, क्योंकि हम कम जो है लिमिटेड यानी अपसाइड देख रहे हैं मजेस्को में अगले कुछ दिनों में। जी, एक सवाल टाटा पावर को लेकर भी है, संतोष का बैंगलोर से, 60 रुपए के भाव पे खरीदारी है टाटा पावर में, करीब 59 का भाव है। सुनील, आपकी राय टाटा पावर पे? ऐसी पावर सेक्टर्स के रिजल्ट्स कंपनियों के कुछ सुधर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन्हें ये शेयर्स होल्ड करना चाहिए टाइमिंग के लिए, यहाँ से अगर 10-15% तक अगर शेयर चलता है तो फिर बेच देना चाहिए। जी, चले सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और धवल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो अब मिडके बाजार को तो यहीं समेटते हैं। मार्केट्स में एक दायरे में कामकाज हो रहा है, लेकिन हाँ, सेकेंड हाफ कैसा रहता है और ये हफ्ते की क्लोजिंग बाजार कैसे देता है, इसके ऊपर जरूर नजर रखनी होगी। मिडके बाजार में इतना ही, नमस्कार।